घर के दिन तेरे हवाले। और पाशा साहब ने जो भी फैसला किया सोच समझ कर किया होगा। हाँ लेकिन मशवरा तो कर सकते थे ना। अरे चलो जो भी होना था हो गया, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को। समीर और हया इस बात पर राजी नहीं हैं। क्यों, हया को क्या प्रॉब्लम है? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता तुम सारी लड़कियों को सासों से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। सास परजात, मैं यहाँ पर समीर के लिए परेशान हो रही हूँ और आप सास बहू के किससे लेकर बैठ गए। समीर को क्या प्रॉब्लम है? समीर का ही तो प्रॉब्लम है, आप पाशा साहब से बात करें। नहीं तो मैं पाशा साहब से इस मामले में क्या बात कर सकता हूँ। ठीक है, मैं समीर को ना खुद रोक लूंगी। क्यों, कहाँ जा रहे समीर? पापा उसको वापस कनाडा भेज रहे हैं। व्हाट? और अलाफिस, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। अच्छा बेफिक्र होके तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं पाशा साहब से बात करना कैसे भूल गया? मुझे खुद ही करना होगा। फोन का सर्विस ही नहीं आ रहा। अरे बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे वजन नहीं उठाया जाता। अरे बाबा आप क्यों उठा रहे हैं? मैं उठाता हूँ ये बैग, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। मुझे नहीं पता था कि मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह इतने समझदार हो गए। अपना ख्याल रखना बेटा। आओ मैं तुम्हें अंदर छोड़ दूं। नहीं पापा, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू। ओके, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो अंकल, आप कहाँ हैं? बेटा मैं समीर को एयरपोर्ट ड्रॉप करके अब घर जा रहा हूँ। खैरियत? अंकल मुझे आपसे मिलना है, आप प्लीज एयरपोर्ट पे मेरा वेट करें, मैं बस आ रहा हूँ। क्या बात है फरजाद, सब ठीक है ना? नहीं अंकल, अर्जेंट बात है। आप अभी काम करें, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ ही कॉफी शॉप है, वहाँ पे वेट करें, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है, मैं आता हूँ बेटा। ओके वापस। समीर का नंबर भी इसी वक्त ऑफ होना था, बाइक तो नहीं बोर्ड कर ली। समीर अगर तुमने फ्लाइट बोर्ड नहीं की तो फ्लाइट बोर्ड मत करना, मैं पाशा अंकल से बात कर लूंगा, मैं सब सॉर्ट कर लूंगा, आई विल फिक्स एवरीथिंग। तुम प्लीज फ्लाइट बोर्ड मत करना।